फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टीजी एग्री। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रीटीज़ के। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन सी ट्रीटीज़ बनाई गई थी। देखिए, सबसे पहली ट्रीटी बनाई गई थी पेरिस कन्वेंशन, उसके बाद बनाया गया था बर्न कन्वेंशन। साथ ही हम आज डिस्कस करेंगे मैड्रिड एग्रीमेंट, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, वीपो, गेट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्स एंड द लास्ट वन इज़ यूरोपियन पेटेंट कन्वेंशन। इन सभी एग्रीमेंट्स एंड कन्वेंशंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही आज हम JRF एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला कन्वेंशन था पेरिस कन्वेंशन, जो मेनली इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। अब इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में तो सभी आते हैं, जैसे ट्रेडमार्क, पेटेंट, ट्रेड सीक्रेट, लेआउट एंड डिज़ाइन, बट मेनली ये पेटेंट पे फोकस करता था। इसे साइन किया गया था 20 मार्च 1883 पेरिस में, और उस समय 11 स्टेट इस कन्वेंशन की पार्टी थे, और ये सबसे पहली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रीटी थी। देखिए, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सबसे पहली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रीटी कौन सी थी, तो उसका आंसर आएगा पेरिस कन्वेंशन। देखिए, इस कन्वेंशन में मेनली तीन टॉपिक के ऊपर बात कही गई थी। सबसे पहला आया था नेशनल ट्रीटमेंट, सेकंड आया था राइट ऑफ प्रायोरिटी, और तीसरी बात की गई थी इंडिपेंडेंस ऑफ पेटेंट। नेशनल ट्रीटमेंट में बोला गया था नो डिस्क्रिमिनेशन। नो डिस्क्रिमिनेशन से मतलब है कि जो ट्रीटमेंट आप अपने नेशनल को देते हैं, वही ट्रीटमेंट आपको कन्वेंशन कंट्री को भी देना पड़ेगा। उसके बाद बात कही थी राइट ऑफ प्रायोरिटी की, और तीसरी बात कही गई थी इंडिपेंडेंस ऑफ पेटेंट की। सपोज कि एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसे किसी एक पर्टिकुलर कंट्री ने पेटेंट किया, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी कंट्रीज़ उस प्रॉपर्टी को पेटेंट करें या उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करें। ये पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है या नहीं, या उसे पेटेंट करना चाहती है या नहीं। तो इन तीनों टॉपिक्स के बारे में, या इन तीनों के बारे में बात कही थी पेरिस कन्वेंशन में। अब पेरिस कन्वेंशन वीपो द्वारा एडमिनिस्टर्ड किया जाता है, जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और इंडिया ने इसमें मेंबरशिप ली थी 7 दिसंबर 1998 में। तो ये बात करी हमने पेरिस कन्वेंशन की, कि पेरिस कन्वेंशन क्या है, इसमें कौन कौन सी तीन बातें रखी गई थी, इसे कौन एडमिनिस्टर्ड करता है, और इंडिया में ने इसमें मेंबरशिप कब ली थी। ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बात तो ये कि ये कब साइन किया गया था, और सेकंड ये कि इंडिया ने मेंबरशिप इसमें कब ली थी। अब हम सेकंड कन्वेंशन की बात करते हैं, वो है बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। देखिए, जो बर्न कन्वेंशन है वो मेनली कॉपीराइट के लिए बनाया गया था। ये अडॉप्ट किया गया था 9 सितंबर 1886 में, और ये फोर्स में लाया गया था 4 दिसंबर 1887 में। इसमें भी तीन बेसिक प्रिंसिपल्स रखे गए थे, वो था नेशनल ट्रीटमेंट, जो अभी हमने पेरिस कन्वेंशन में देखा कि नो डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड था ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन। इसका मतलब है कि कॉपीराइट करवाने के लिए आपको किसी भी तरह की फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, लाइक नो रजिस्ट्रेशन, नो फी डिपॉजिट, आप डायरेक्ट ही अपने मटेरियल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कही थी इंडिपेंडेंस ऑफ प्रोटेक्शन की। तो ये तीन बेसिक प्रिंसिपल्स की इसमें बात की गई थी। बर्न कन्वेंशन भी वीपो, दैट इज़ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। तो ये बात करी हमने बर्न कन्वेंशन की, इसके क्या तीन बेसिक प्रिंसिपल्स थे, ये कब अडॉप्ट किया गया था, तो ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। देखिए, मेनली कन्वेंशंस में से क्वेश्चन आते हैं कि ये कब अडॉप्ट किए गए थे, ये कब फोर्स में आए थे, तो इसे आप ध्यान से देखिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कन्वेंशन की बात करते हैं, वो है मैड्रिड एग्रीमेंट। अब हम देखेंगे कि मैड्रिड एग्रीमेंट क्या है। मैड्रिड एग्रीमेंट काई से रिलेटेड है, ट्रेडमार्क से रिलेटेड है। ये इस्टेब्लिश किया था 1891 में। अब मैड्रिड एग्रीमेंट क्यों आया, देखिए क्या होता था, इंटरनेशनल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस होती थी वे काफ़ी कॉम्प्लेक्स और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती थी, तो उसको थोड़ा सा रिलीव करने के लिए, उसे थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए मैड्रिड एग्रीमेंट आया गया।
इसमें ऐसा प्रस्ताव रखा गया कि एक एप्लीकेशन से इंटरनेशनल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात कही गई मैड्रिड एग्रीमेंट की, जो आया था 1891 में। अगर पूछे कि मैड्रिड प्रोटोकॉल कब आया, तो मैड्रिड प्रोटोकॉल आया था 1989 में। देखिए ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, तो ये भी एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि एग्रीमेंट आया था 1891 में और जो प्रोटोकॉल आया था वो 1989 में आया था। और इंडिया में फोर्स में कब आया था, इंडिया में फोर्स में आया था 8 जुलाई 2013 में। तो ये बात करी हमने मैड्रिड एग्रीमेंट की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, वो है पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। सबसे पहले ये ट्रीटी अडॉप्ट की गई थी 19 जून 1970 वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है, और ये फोर्स में लाई गई थी 24 जून 1978 में। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है इन द फील्ड ऑफ पेटेंट। इसके नाम से ही हमें समझ में आ जाता है कि किस चीज़ के लिए होगी, ऑब्वियसली पेटेंट के लिए होगी, ठीक है। अब इसमें क्या लिमिटेशंस बोल सकते हैं या कॉम्प्लिकेशंस, ये कि जो पेरिस कन्वेंशन की मेंबर्स है वही मेंबर्स इस पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी में अपना पार्टिसिपेशन ले सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं ले सकता। पेरिस कन्वेंशन की ये कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटी है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया कि ये क्यों बनाई गई, देखिए पहले जिस तरह हमने देखा कि मैड्रिड एग्रीमेंट बनाया था ट्रेडमार्क की प्रोसेस को सिंपल करने के लिए, वैसे ही पीसीटी बनाया गया पेटेंट की प्रोसेस को सिंपल करने के लिए। पीसीटी ने क्या करा, पीसीटी ने एक इंटरनेशनल सिस्टम बना दिया जिसमें सभी कंट्रीज़ में पेटेंट फाइल करने के लिए एक सिंगल सिस्टम रखा गया। इसे कहते हैं हम पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, वो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ वीपो। ये इस्टेब्लिश किया गया था 14 जुलाई 1967 में और ये फोर्स में लाया गया था 1970 में। अगर हम इसके ओरिजिन देखें या इसकी हिस्ट्री देखें, तो देखिए जो हमने पेरिस कन्वेंशन और बर्न कन्वेंशन की बात की गई थी, तो पेरिस कन्वेंशन और बर्न कन्वेंशन को दोनों को मिला के बनाया गया वीपो, दैट इज़ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे पेरिस कन्वेंशन और बर्न कन्वेंशन का काम था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना और उसके प्रोटेक्शन को प्रमोट करना, वैसे ही वीपो का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि पूरे वर्ल्ड में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन को प्रमोट करना। तो ये अभी हमने देखा कि वीपो क्या है, ये कब स्टैब्लिश हुआ था, कब फोर्स में लाया गया था और कौन सी दो कन्वेंशंस को मिला के ये बनाया गया था, ठीक है। तो ये बात करी हमने अभी वीपो की। अब हम नेक्स्ट एग्रीमेंट की बात करेंगे, वो है जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। देखिए क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गरीबी और भूखमरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इन सभी चीज़ों को कम करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया, वो एग्रीमेंट था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इस एग्रीमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि ट्रेड पर लगने वाले सभी टैरिफ को कम करना, जिससे कि इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा मिले, इंटरनेशनल ट्रेड और बढ़े। तो ये एग्रीमेंट साइन किया गया था 30 अक्टूबर 1947 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये मल्टीलैटरल ट्रीटी थी, उस समय इसे 23 नेशंस के द्वारा साइन किया गया था। देखिए अब हम जानते हैं कि अगर ट्रेड बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली उसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी होगी, तो ट्रेड से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मीटिंग्स होती थी, इन मीटिंग्स को कहते थे राउंड। तो ठीक है, गेट में मेनली 8 राउंड्स हुए जो ट्रेड से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हुए थे, बट इन राउंड्स में सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा था। तो जो इसका 8th राउंड था, जिस राउंड को बोलते हैं हम यूरेगे राउंड बोलते हैं, उस राउंड में इस एग्रीमेंट को ख़त्म करने की बात की गई और एक नई ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए बात रखी गई, और फिर एक नए ऑर्गेनाइजेशन को की नींव रखी गई। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम नेक्स्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या था और वो किसके अंडर साइन किया गया था। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को माराकेश एग्रीमेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को किसके अंडर साइन किया गया था, तो वो माराकेश एग्रीमेंट के अंडर साइन किया गया था,
कब किया गया था? तो वो 15 अप्रैल 1994 में साइन किया गया था, गेट को रिप्लेस करके इसे साइन किया गया था, जिसमें 123 नेशंस ने इसे साइन किया गया था, और इसकी घोषणा हुई थी, WTO की घोषणा हुई थी 1 जनवरी 1995। तो ये हमने बात करी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसके अंडर साइन किया गया था, ये कब साइन हुआ था, इसमें कितने नेशंस ने साइन किया और इसकी घोषणा कब हुई। अब अगर हम इसका मेन पर्पस देखें तो इसका पर्पस भी वही है, ट्रेड के बैरियर और टैरिफ को कम करना, जिससे कि इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा मिल सके। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये हमने बात करी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 1995। अब हम नेक्स्ट एग्रीमेंट की वो बात करते हैं, वो है द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दैट इज ट्रिप्स। अब देखिए, जो ट्रिप्स है, दैट इज ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, की एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो वीपो द्वारा एडमिनिस्टर्ड किया जाता है। अब हम देखेंगे कि ट्रिप्स का मेनली क्या काम होता है। तो देखिए, ट्रिप्स का मेनली काम है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लॉ में वो क्या करता है, मिनिमम स्टैंडर्ड्स बताता है कि देखिए, आपका अगर पेटेंट लॉ है तो इसमें मेनली स्टैंडर्ड्स ये है, इसको इतने साल तक मिलेगा और इसमें आपको ये मिनिमम चीज़ें आपको ग्रांटेड करना ही पड़ेगी और इससे ज़्यादा आप इसे नहीं कर सकते। और इसका मेन काम ये भी होता है कि ये दूसरी कंट्रीज़ को प्रमोट करता है कि आप भी अपनी कंट्री में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बनाइए। तो अभी हमने देखा कि ट्रिप्स का क्या काम था, और इसकी अगर हम बात करें कि ये कब बना था, तो ये भी जो अभी हमने बात करी गेट का, कि जो 8th राउंड हुआ था, जिसको हमने यूरिगे राउंड कहा था, उसमें इसका भी फॉर्मेशन हुआ था। तो 1994 में क्या हुआ था, उसका यूरिगे राउंड हुआ था, उस समय इसकी बात कही गई, और 1995 में इसको बना दिया गया। एग्जाम के लिए याद रखना है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ट्रिप्स को एक साथ ही बनाया गया। तो ये बात करी हमने ट्रिप्स की। अब नेक्स्ट हमारे पास कन्वेंशन है, वो है यूरोपियन पेटेंट कन्वेंशन। यूरोपियन पेटेंट कन्वेंशन ऑपरेट हुआ था 1978 में, और इसमें 17 मेंबर स्टेट्स थे उस समय, और ये पहला ऐसा कन्वेंशन है जो प्रोविज़न रखता है किसके लिए, बायोटेक्नोलॉजी इन्वेंशंस के लिए। अभी तक अपन ने कहीं भी ऐसी बात नहीं की जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी इन्वेंशंस का मुद्दा रखा गया, बट यूरोपियन पेटेंट कन्वेंशन में जो 1978 में लागू किया गया था, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी इन्वेंशंस की बात की गई। इसमें क्या बोला गया कि जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको पेटेंट करवाना हो, तो उसका कल्चर पहले आपको डिपॉजिट करना होगा, ठीक है। तो ये बात की अपन ने यूरोपियन पेटेंट कन्वेंशन की। अगर पूछा जाए आपसे कि बायोटेक्नोलॉजी इन्वेंशंस की बात कौन से कन्वेंशन में की गई, तो वो बात की गई यूरोपियन पेटेंट कन्वेंशन में। तो आज हमने एक बात की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रीटीज़ की, कि इसमें कौन कौन सी ट्रीटीज़ आती है, ये कब लागू हुई थी, इनके क्या क्या फंक्शंस हैं और इनका क्या 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 काम है, ठीक है। साथ ही हमने GRF और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को भी देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। साथ ही आप हमें हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।